छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा, मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी, 12 लोगों की मौत, 15 घायल। सड़क से 40 फीट नीचे गिरी बस, पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया, हादसे की जांच के लिए आदेश। बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, मिट्टी पर बस के फिसलने से हादसा हुआ, बस में सवार सभी लोग एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है, लिखा कि घायलों के इलाज में राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मजदूरों की मौत पर जताया दुख, मृतकों के परिवार को दी सांत्वना, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रायपुर के एम्स पहुंचे, घायलों से मुलाकात कर स्वस्थ और जल्दी होने की कामना की। सीएम केजरीवाल से आज पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह की हो सकती है मुलाकात, दोपहर 1 बजे जाएंगे तिहाड़ जेल। तिहाड़ के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल से मुलाकात के संदर्भ में मिला है लेटर, सुरक्षा के पहलुओं पर विचार के बाद तय होगा मुलाकात का वक्त। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्टी कर सकती है अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया सही, गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने वाली याचिका को खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानून का पालन किया है, उसके पास हवाला, ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बोले एएसजी राजू, कोर्ट ने न्याय किया है, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं, आपके सांसद संजय सिंह का बयान, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। बीजेपी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से आपका अहंकार चकनाचूर हुआ, कोर्ट ने ईडी के हर तर्क को सही माना। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कानूनी मुद्दे को सियासी मसला बना रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट से माना है कि सीएम को विशेष अधिकार नहीं है, जरा भी शर्म बची है तो केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले मुजरिम होता है, सभी को कानून का पालन करना होगा। केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी और गैरकानूनी है जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई। वक्फ बोर्ड के मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को समन, 20 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तूफानी प्रचार, तमिलनाडु में 2 और महाराष्ट्र में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वेल्लोर में करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एसी षणमुगम के लिए लोगों से करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 2 बजे नीलगिरी लोकसभा सीट के मुट्टुपलायम में होगी। डीएमके के ए राजा के खिलाफ खड़े हुए हैं बीजेपी कैंडिडेट एल मुरुगन के लिए वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी की तीसरी रैली शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में होगी, शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे के लिए करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी ने मंगलवार की शाम चेन्नई में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सुंदर राजन के लिए वोट की अपील की। एमपी में पीएम के निशाने पर रहे इंडिया अलायंस, कहा कि ये बीजेपी से नहीं आपस में लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस मोदी को नहीं विकास को रोकना चाहते हैं, मैं धमकियों से नहीं डरता, महाकाल का भक्त हूं, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण से कल भी नफरत थी, आज भी है, पीएम बोले भगवान राम का अपमान देश नहीं भूलेगा। पीएम मोदी बोले आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मांगती थी मदद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जम्मू के उधमपुर सीट में करेंगे पार्टी के लिए प्रचार, कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के लिए करेंगे वोट की अपील, जितेंद्र सिंह का कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह से है मुकाबला। कठुआ के बाद सीएम योगी की यूपी के सरधना में रैली, बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में सुबह 11 बजे रैली होगी, बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के लिए करेंगे वोट की अपील। अमित शाह आज दोपहर 3 बजे बिहार में गया के गुरारू में करेंगे जनसभा को संबोधित, बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आरजेडी ने मंगलवार की देर शाम जारी की 22 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट, लालू यादव की बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से टिकट मिला। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से होंगी उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से होगा मुकाबला। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दिया, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह और जमुई से अर्चना रविदास को बनाया उम्मीदवार। आरजेडी ने अररिया से शहनवाज आलम को बनाया उम्मीदवार, जबकि मधुबनी से अली अशरफ फातमी और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति का आरोप, कहा कि बीजेपी वाले दिन में करते थे गलत काम, रात में करते हैं राम राम। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आप बीजेपी वालों के कहने से हम हिंदू नहीं है, भगवान मन में होने चाहिए, भगवान अच्छे हैं, ईमानदार लोगों का साथ देते हैं। राजस्थान के झुंझुनू से बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के विवादित बोल, कहा कि जो हिंदू है वो धार्मिक है, फिर भी पीएम मोदी के खिलाफ वोट डालता है वो देशद्रोही है। शुभकरण चौधरी ने 4 अप्रैल को उदयपुरवाटी में एक जनसभा के दौरान कहा कि जो कमल के फूल के अलावा किसी और का बटन दबाता है वो देशद्रोही और देश का गुनहगार है। राजस्थान के चुनाव प्रचार में बुलडोजर की एंट्री, जयपुर में मंजू शर्मा का प्रचार कर रहे सीएम भजनलाल पर समर्थकों ने बुलडोजर से फूलों की बारिश की। बारामती से एनसीपी उम्मीदवार शरद गुट की सुप्रिया सुले का छलका दर्द, भाभी सुनेत्रा मुकाबले पर कहा कि रिश्ते निभाने में ताकत लगती है, तोड़ने में नहीं। सुप्रिया सुले ने भाभी सुनेत्रा को फॉलो करने से इनकार किया था, कहा कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है लेकिन घाव का निशान तो रहेगा, मैं दूसरों के घर में नहीं झांकती हूँ।
एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बिना शर्त बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। कहा कि मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। राज ठाकरे ने कहा कि यह समर्थन सिर्फ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एमएनएस कार्यकर्ता अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। लखनऊ में एमसीबी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया अलायंस पर सादा निशाना, कहा कि जिसने गठबंधन बनाया उसी ने अलायंस छोड़ दिया, अब इनके पास क्या बचा है। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी चली गई, जयंत चौधरी चले गए, कांग्रेस में कहां कोई बचा है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा कि उन्होंने सीएम रहते इतनी बढ़िया काम किया कि पहले सांसद बने फिर विधायक बने, अब वो क्या बनना चाहते हैं। यूपी के शामली में जयंत चौधरी की रैली, कहा कि मोदी सरकार की नीति की वजह से समाज में हर किसी को मौका मिला है। जयंत चौधरी बोले, चुनावों के पहले इंडिया अलायंस ने मानी हार, उम्मीदवारों के सहारे चुनाव लड़ रहा है विपक्ष। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, इंडी गठबंधन बहुत मजबूत, लोगों का मिल रहा है समर्थन। यूपी के कांग्रेस पार्टी समाप्त हो चुकी है, बीजेपी ही जीतेगी, अपर्णा यादव का बयान। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर के बयान से सहमत मेनका गांधी, कहा कि सलाह उसे दी जाती है जो माने। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी पर मेनका गांधी का तंज, अब दामाद पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दावा, इस बार अप्रत्याशित आएगा परिणाम, हमारी लड़ाई निश्चित तौर पर मजबूत, 2004 से भी बेहतर रिजल्ट आएगा। अजय राय ने कहा कि काशी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, भ्रम में ना रहे बीजेपी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह का हमला, कहा कि हम यूसीसी ला रहे हैं, कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी को जवाब, पीएम संविधान की भावना के विपरीत टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का निशाना, पीएम मोदी सिर्फ कांग्रेस को गाली देने में व्यस्त है। किसान, नौजवान और महिलाओं के मुद्दे उठाती है कांग्रेस, चुनावों में मिलेगा इसका फायदा, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा का बयान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव आयोग का नोटिस, बीजेपी नेता हेमा मालिनी पर टिप्पणी पर आज शाम तक देना है जवाब। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर की बड़ी मुश्किल, इलेक्शन कमीशन ने हलफनामे की जांच का आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा बढ़ी, गृह मंत्रालय ने राजीव कुमार को 2Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, घर जाकर पिता की कब्र पर फतिया पढ़ने की इजाजत दी गई। कब्र पर फतिया पढ़ने के बाद परिवार से मुलाकात का भी मिला है समय, 13 अप्रैल को वापस जाना होगा जेल। तमिलनाडु के मंडपम में कार और ऑटो में टक्कर, हादसे में एक की मौत, 5 लोग घायल। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके में श्रीनगर में जंगल में लगी भीषण आग, वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। आग से बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान पहुंचा है, आग के देखते हुए आसपास के रिहायशी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया, वन विभाग की टीम आग लगने की अब कारणों की तलाश कर रही है। नवरात्रि के दूसरे दिन आज देवी ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची रायबरेली, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की मां शैलपुत्री की अर्चना। एमपी के भोपाल में धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष, रामलला की आरती की गई, भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे श्रद्धालु, नववर्ष के अवसर पर सरकार जमकर की आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर धूमधाम से मनाया गया गौरव उत्सव कार्यक्रम, शिप्रा नदी के किनारे जलाए गए 5 लाख दिए। सीएम मोहन यादव गौरव उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, सीएम ने सभी के साथ मिलकर दीपक जलाया, रामघाट पर मनाया गया कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव ने देशवासियों को बधाई दी, कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हर वर्ष ये गौरव उत्सव आयोजित किया जाता है। 11 अप्रैल को देश भर में मनाया जाएगा ईद का त्यौहार, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी का ऐलान। ईद को लेकर लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी ने जारी किया चिट्ठी, लिखा कि चांद नहीं दिखा इसीलिए 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स में टक्कर, जयपुर में होगा मुकाबला, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की कोशिशें गई बेकार, रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर पंजाब किंग्स को दिया 183 रन का लक्ष्य, टारगेट चेस करने उतरी पंजाब की टीम 180 पर ही बना सकी। पंजाब किंग्स से शुरुआत बेहद खराब रही, कैप्टन पैट किमिंस ने जॉनी ब्रेस्टो को आउट कर पंजाब को पहला झटका दिया। पंजाब को जीत के लिए अंतिम 6 गेंद में 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम 27 रन ही बना सकी। भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे सफल गेंदबाज रहे, 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की पारी लड़खड़ाई, पावर प्ले तक उसने अपने 3 विकेट गंवा दिए। नीतीश रेड्डी रहे सनराइजर्स हैदराबाद के जीत के हीरो, T20 करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर, 37 गेंद पर 64 रन की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। पंजाब के लिए तेज गेंदबाज अर्षदीप सिंह ने 4 विकेट लिए, सैम करन और हर्षर पटेल 2-2 विकेट मिले। ऐश्वर्या मिश्रा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का कांस्य पदक रजत में होगा अपग्रेड, उज्बेकिस्तान की फैदा के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद कार्ड होगा अपग्रेड।